हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आपको दिख ही रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डायलैक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच हम डायलैक्ट्रिक रखेंगे और तब उसका कैपेसिटेंस हम निकालेंगे। ठीक है, उसका डेराइवेशन हम लोग करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डायलैक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच डायलैक्ट्रिक होगा और तब हम उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे कैपेसिटर का। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखिए क्या करना होगा। लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ईच प्लेट हैविंग एरिया ए। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करेंगे जिसमें प्लेट का प्लेट का एरिया ए होगा और वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे एट ए डिस्टेंस डी एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। लेट मीडियम बिटवीन द प्लेट इज एयर। अभी उसमें हम डायलैक्ट्रिक नहीं रखे, उन दोनों के बीच के मीडियम एयर है। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय। जब उसमें हम कुछ नहीं रखे उन दोनों के बीच के मीडियम एयर है तब हमारा कैपेसिटेंस होता है सीनो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी, ए बाय एप्सिलॉन नॉट डी। हम जानते हैं कि देखिए सी इक्वल टू क्यू बाय वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग जानते हैं ना। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो हम लोग कॉन्स्टेंट बताते हैं क्यू इक्वल टू सी वी। तो सी इक्वल टू हमारा क्यू बाय वी होता है और हम लोग क्यू जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तभी तो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलता है ना। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हम क्यू इक्वल टू सिग्मा ए लिख सकते हैं। ठीक है, तब हमारा और हम लोग जानते हैं कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन द प्लेट्स हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ई डी हो गया, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी। तो अब हम ई का वैल्यू जानते हैं कि सिग्मा बाय एब्सोल्यूट नॉट होता है। ठीक है, तो हम लोग ई का वैल्यू बैठा है सिग्मा बाय एब्सोल्यूट नॉट डी। अब सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए होता है, तो क्यू ए नीचे आ जाएगा, ए एब्सोल्यूट नॉट क्यू, ये हमारा हो गया ई का वैल्यू और डी। ठीक है, क्यू डी बाय ए एब्सोल्यूट नॉट। अब इक्वेशन वन में सी इक्वल टू क्यू बाय वी, तो हम वी का वैल्यू निकाल लिए इतना क्यू डी बाय ए एब्सोल्यूट नॉट और फिर सी में बैठा दिए क्यू बाय वी का वैल्यू हम लोग बैठा रहे हैं क्यू डी बाय एब्सोल्यूट नॉट ए। तो क्यू बाय क्यू कैंसिल हो गया, एब्सोल्यूट नॉट ए ऊपर हो गया, डी नीचे हो गया। ऐसे हमारा कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स विदाउट डायलैक्ट्रिक इतना होता है। ठीक है, ए एब्सोल्यूट नॉट बाय डी। ठीक है, देखिए मैंने कैसे ए एब्सोल्यूट नॉट डी आया, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं। सपोज प्लस माइनस क्यू चार्जेस गिवन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। हम लोग प्लेट्स के बीच मानते हैं कि चार्जेस, तो जब प्लेट्स का चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू होगा तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ई नॉट। ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। लेट ए डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज लेस देन डी। हम लोग प्लेट्स का सेपरेशन क्या रखे हैं, डी। ठीक है, और अब उसमें एक डायलैक्ट्रिक रखे और उसका थिकनेस हो गया टी। ठीक है, मैं डायग्राम क्या बना रहा हूँ देखो यहाँ पे। तो हमारा प्लेट्स का डिस्टेंस है डी और उसमें हम डायलैक्ट्रिक घुसा दिए थिकनेस टी का, तो टी इज लेस देन डी। ठीक है, तो टी हमारा छोटा है डी से। इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी प्रोड्यूस्ड इन डायलैक्ट्रिक ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे हम अगर ये प्लस चार्जेस है, मैंने ये हर वीडियो में आपको डायग्राम समझाया है, और तो इसमें अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जो उल्टा अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, मैंने आपको ये हर बार समझाया। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी प्रोड्यूस इन डायलैक्ट्रिक ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। द डायरेक्शन ई पी इज अपोजिट टू दैट ऑफ ई नॉट। ठीक है, ई नॉट का अपोजिट होता है हमारा ई पी। तो जो हमारा द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट हमारा होगा ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालेंगे विद डायलैक्ट्रिक है, तो वी इक्वल टू हमारा यहाँ पे गैप है तो ये डी माइनस टी है। ठीक है, ये एरिया जो गैप है बचा है वो डी माइनस टी है। ठीक है, तो डी माइनस टी करेंगे तो ये दोनों गैप निकल जाएगा
तो एक बाय हमारा यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक हमारा ई टी हो गया, सॉरी पोटेंशियल, मैं भी बोल जा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ई टी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई नॉट माइनस ई पी करके इसके बीच इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट ई हो जाता है ई, और डिस्टेंस बिटवीन द ये मान लो एक प्लेट का काम करता है तो टी ई टी हो गया प्लस ई नॉट, और ये दोनों गैप के बीच का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डी माइनस टी, तो ई नॉट डी माइनस टी, तो ई टी ई नॉट डी माइनस टी। अब हम लोग जानते हैं कि डायलेक्ट कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक, तो हम ये जानते हैं फॉर्मूला, तो इससे हमारा आ जाता है ई टी, ठीक है, इससे हमारा ई का वैल्यू मिल जाता है ई नॉट बाय के, ठीक है, ई इक्वल टू ई नॉट बाय के, तो हम ई की जगह ई नॉट बाय के बैठा दिए, तो ई नॉट बाय के टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी, तो हमारा यहाँ दोनों सेम आ गया। अब हम यहाँ ई नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो टी बाय के प्लस डी माइनस टी, ठीक है, ई नॉट कॉमन लगे तो ये होगा। अब देखो ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, हम लोग टी बाय के पीछे कर दिया और डी माइनस टी आगे कर दिया, इसमें इधर उधर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे हम टी टी एक पास ला दिए तो डी, अब इसमें हम माइनस टी कॉमन ले लिए तो वन माइनस प्लस है, माइनस कॉमन ले इसलिए अंदर माइनस हो गया माइनस वन बाय के, तो हम यहाँ पे माइनस टी कॉमन लेते हैं तो हमारा बच जाता है वन माइनस वन बाय के, तो इसे हम इक्वेशन टू दे देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किसी कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे देते हैं, ई नॉट जो है वो कैसे देते हैं, ई नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री चार्जेस बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हम जानते हैं ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए होता है, ठीक है, सरफेस चार्ज बाय एरिया ये होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक निकल गया। अब ई नॉट का वैल्यू पुट करते हैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब इक्वेशन वन में हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर इक्वल टू क्यू बाय वी, यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन वन यहाँ कंसीडर किया हुआ है इसे, सॉरी नहीं किया क्या, अरे सॉरी 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 सॉरी, वहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं, वी नो यहाँ इक्वेशन नहीं वन नहीं, नाउ वी नो C इक्वल टू क्यू बाय वी, ठीक है, यहाँ पे C नॉट नहीं है, ये C है, C इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक है, सी नॉट सी इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक, तो क्यू बाय वी। अब हम यहाँ क्यू का वैल्यू कुछ नहीं निकाला है, वी का वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला है, क्यू बाय ए एब्सोल्यूट नॉट डी माइनस टी वन प्लस वन बाय वन माइनस वन बाय के, तो क्यू बाय क्यू हमारा कैंसिल हो गया, ए एब्सोल्यूट नॉट हमारा नीचे ये ऊपर चला जाएगा और डी माइनस टी वन माइनस वन बाय के ये हमारा नीचे रह जाएगा, तो यही हमारा आ गया कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक, ठीक है। अब हम एक स्पेशल केस मानते हैं कि अगर पैरेलल प्लेट्स के बीच हम डायलेक्ट्रिक पूरा फिल कर दे, इसके बीच कोई गैप ना रखे, तो हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, उसके बीच का, ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों ने ये निकाल लिया विद डायलेक्ट्रिक, और अगर डायलेक्ट्रिक को कम्प्लीटली हम लोग फिल्ड कर देते हैं, टी और डी के बीच कोई गैप नहीं रहते, दोनों इक्वल कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है, हम लोग जानते हैं कि सी इक्वल टू ए एब्सोल्यूट नॉट डी माइनस टी वन माइनस वन बाय के, तो अब यहाँ पे हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर टी के जगह डी बैठा दिया, दोनों इक्वल है, ये भी टी मान लो या डी मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे डी डी कैंसिल हो गया, अब ए एब्सोल्यूट नॉट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ टी या डी कोई भी बेस आ सकते हो, तो ए एब्सोल्यूट नॉट के बाय टी और ए एब्सोल्यूट नॉट के बाय डी, ठीक है, दोनों में से कोई बैठा दो, तो सिंस के इज ग्रेटर देन वन, अगर के वन से बड़ा हुआ तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ डायलैक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, अगर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो है किसी मटेरियल का वो के जो है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वो ग्रेटर देन वन हो गया तो कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का बढ़ जाएगा जब उसमें हम एक डायलैक्ट्रिक स्लैब डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे उस स्लैब के बीच में, ठीक है, डायलैक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, डायलैक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे प्लेट्स के बीच में तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा अगर उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डायलैक्ट्रिक का डेराइवेशन समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप वीडियोस को देख सको और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। फिजिक्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप फिजिक्स बहुत आसानी से कर सकते हो, फिजिक्स एग्जाम में फोड़ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे और हायर सेकेंडरी का एग्जाम फोड़ के आएंगे ही आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।